देखते रहिए UBN0@राजगढ़ जिले से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है, ग्राम हराना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता ने शर्त हारने पर कराया मुंडन। मेरे और बाबूलाल मंडलोई के बीच शर्त हुई थी कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुंडन कराऊंगा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो बाबूलाल मंडलोई मुंडन कराएंगे। मेरी पार्टी की पराजय से मैंने मुंडन करा लिया है। मैंने पार्टी को संदेश भेज दिया है कि हमारी पार्टी क्यों हारी है, मुझे मुंडन क्यों कराना पड़ा है। देखते रहिए UBN0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरे और राम बाबू मंडलोई दोनों के बीच में शर्त हुई थी कि अगर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुंडन में, बापूलाल सेन बोल रहा हूँ कि मुंडन में करूँगा। अगर मान लो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो बाबूलाल मंडलोई मुंडन करवाएंगे। ये हम दोनों के बीच में शर्त थी। इस हिसाब से मैंने उस हार की वजह से, मेरी पार्टी की पराजय की वजह से मैंने जो कहा उस हिसाब से मैंने आज मुंडन करवा लिया। इसके लिए आपकी पार्टी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने पार्टी को मेरा संदेश पहुंचा दिया। नहीं, आप इसके आपने जो वादा पूरा मेरा, किया। मेरा संदेश ये है कि मेरी पार्टी की एक विचारधारा थी कि 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, है ना। तो 10 दिन नहीं, उन्हें कम टाइम का समय लिया था। अगर वो 3 महीने का समय लेते तो आज हमारी पार्टी की पराजय नहीं होती। मेन कारण यही रहा कर्ज माफी, इसकी वजह से हमारी पार्टी की आज मध्य प्रदेश में धराशायी हुई। ओके। ताली बजाओ।